नेपाल बैठी आयो भारत में छाओ इंडिया ये सामने नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप पैसेंजर बस एसी सर्विस महिंद्रा आप वहाँ दिखा सकते हो दिल्ली पहुँचा। ये जो एकमात्र बस चलती है इंडिया और नेपाल के लिए, ये देखिए सीधे दिल्ली जाती है। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम जा रहे हैं नेपाल को और आपको दिखाएंगे आज फॉरेन का टूर। तो आपको आज ले चलेंगे नेपाल विदेश, तो चलिए हमारे साथ। ये देखिए गाइज, अभी हम जा रहे हैं टुकटुक में और टुकटुक की सवारी चल रही है हमारी। तो गाइज, अभी हम पहुंचे हैं पाटनी चौराहे में, जो कि नेपाल को जाने वाला इंडिया का मार्ग है। तो जब अभी यहाँ से चलते हैं हम पाटनी चौराहे से, यहाँ से फिर से हमें पकड़ना पड़ेगा टुकटुक। तो टुकटुक में जाएंगे हम पाटनी चौराहे से आगे को। आगे कहाँ तक जाएंगे हम? यहाँ नेपाल नेपाल नेपाल। हेलो गाइस, ये अभी गिरीश सर कितनी दूर है, ये सब जाते हुए नेपाल को। ये हमारे भंडारी जी, भंडारी क्या कर रहे हैं? मूंगफली खा रहे हैं। गाइस, हम फिर से बैठ चुके हैं टुकटुक में। अभी हम जाएंगे गड्ढा चौकी तक, जो नेपाल का बॉर्डर है, जहाँ तक लास्ट टुकटुक जाता है। फिर से हम टुकटुक की सवारी में बैठे हैं। तो पहले से तांगे चलते थे, लेकिन अब तांगे बंद हो चुके हैं, घोड़ों पे काफी लोड आ चुका था। तो गाइस, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने निकाल लिए पैसे। तो पैसे निकाल के अभी हम चल रहे हैं नेपाल की ओर। नेपाल में हमारा एटीएम चलेगा नहीं, तो इस कारण हम कैसे पैसे निकाल के चल चुके हैं। तो देखिए, पैसे निकाल के अब गिन रहे हैं ये हमारे भंडारी जी, ये हमारे पंकु भाई। ये देखिए गाइस, जो अंग्रेजों के टाइम का रेलवे स्टेशन था, और ये आप देख सकते हैं रेलवे की लाइन, जो कि मिनी रेलवे की लाइन थी। ये अंग्रेजों के टाइम की थी इंडिया और नेपाल आने के लिए, जो कि अब बंद हो चुकी है। ये देखिए गाइस, हम पहुंच चुके हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में। इंडिया और नेपाल को जो जोड़ती थी ट्रेन लाइन, वो भी मिनी लाइन रेलवे की। ये देख सकते हैं आप ट्रैक, जो कि अभी इसमें टुक टुक बाइकें साइकिलें चल रही है अभी इस रोड में, और छोटी कारें चलती है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलती है इसमें। देखिए गाइस, अभी हम दिखाएंगे आपको जो मिनी रेलवे का इंजन है, अभी यहाँ पर को दिखाएंगे आपको रेलवे का इंजन, छोटा वाला है। ये देख सकते हैं हम अंग्रेजों के टाइम का। तो ये देखिए गाइस, इसी तरीके से साइकिल में नेपाल के लोग इंडिया से सामान ले जाते हैं, देख सकते हैं अवेलेबल। तो गाइस, ये आप द्वार देख सकते हैं, जो कि इंडिया का द्वार है। इसमें ताजमहल, केदारनाथ धाम आदि, कैलाश SSB ने बनाया हुआ है। यहाँ से नेपाल को प्रवेश करते हैं इस गेट से हम। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं नेपाल का फ्लैग, जो कि हम नेपाल में कर चुके हैं प्रवेश। तो यह है नेपाल का फ्लैग, यहाँ से शुरू हो जाता है नेपाल। तो फाइनली गाइस, हम उतर चुके हैं और पहुँच चुके हैं नेपाल में। तो आपको दिखाएंगे अभी नेपाल का नज़ारा, अभी हम कहाँ कहाँ घूमेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो कैनाल आ रही थी शारदा नहर से, ये देखिए। अभी हम फिर यहाँ से पैदल हो गए हैं और हम पकड़ेंगे नेपाली ऑटो रिक्शा, और नेपाली ऑटो रिक्शा से जाएंगे हम। आपको दिखाएंगे यहाँ के नेपाल नंबर की गाड़ियाँ, ये देखिए नेपाली लगे हैं, नेपाल नंबर की गाड़ियाँ दिखाएंगे और नेपाली ऑटो रिक्शा, ये देखिए ये सब नेपाली लगे हुए हैं ऑटो, और इनका नंबर भी आप देख सकते हैं, नेपाली भाषा में लिखा हुआ है। तो गाइस, हम टुकटुक यहाँ का नेपाली ऑटो में बैठ चुके हैं। नेपाली ऑटो नंबर क्या है गाड़ी का इसका? 296। कितना? 996। नेपाली भाषा में बोलो ना, ये देखिए नेपाली भाषा में बोल के आपको बताएंगे। 996, जो कि प्योर हिंदी का प्रयोग करते हैं। और रोड तो अभी कच्ची रोड है, चल रहे हम, काफी उबड़ खाबड़ रोड है। इंडिया बॉर्डर और नेपाल का सीमा है, ये इंडिया का बॉर्डर और नेपाल का सीमा, यहाँ से प्रारंभ होती है। पहुंचे हम अच्छे वाली रोड में, वो भी नेपाल की रोड में, और नेपाली ऑटो में हम सफर करते हुए, जो कि हम आ चुके हैं अभी इंडिया से फॉरेन में विदेश, जो कि नेपाल। बोलो उतार देते उन्होंने पीछे, तो अब मैं आगे जाके बैठूंगा। और को चेकिंग चल रही थी काफी पुलिस, नेपाली पुलिस की, जो कि बैठने नहीं देते, 3 से ज़्यादा सवारी अलाउड नहीं करते हैं ऑटो में। तो अभी हम बैठेंगे, फिर आगे रुका है हमारा ऑटो, तो उसमें बैठेंगे, फिर हम दोबारा से चलेंगे। ये देखिए गाइज, हम दोबारा बैठ चुके हैं, मैंने बताया था जैसे कि आपको,
चेकिंग के कारण मैं उतर गया था वहाँ पर, उतार दिया था इन्होंने ऑटो वाले भाई साहब ने हमें। अब दोबारा बैठ चुके हैं, अब चलेंगे हम महेंद्र नगर। नेपाल का क्या शहर है वो? हाँ, नेपाल का एक शहर है जो कि उसकी मार्केट में घूमेंगे अभी हम महेंद्र नगर की। तो अब मिलते हैं आपको महेंद्र नगर जाके। तो गाइस जब हम पहुंच चुके हैं नेपाल के एक शहर में महेंद्र नगर, तो आपको दिखाएंगे अभी महेंद्र नगर मार्केट। और यहाँ काफ़ी सुनी सुनी मार्केट है जो कि हमारी इंडिया की तरह यहाँ भीड़ नहीं है उतनी जितनी रहती थी इंडिया में हमारी भीड़ है। तो अभी हम चल रहे हैं एक दुकान में शॉपिंग करने के लिए, एक मॉल में चलते हैं हम और देखते हैं क्या क्या जितने दगड़िया आए हैं हमारे क्या क्या शॉपिंग करते हैं। ये देखिए गाइज चलते हुए अभी यहाँ को सेल लगे है जैकेटों की, जैकेट देखने और यहाँ के नेपाली जो कपड़े होते हैं फेमस हैं यहाँ के। तो अभी आए हैं हम यहाँ पर कोई जैकेट वैकेट लेने के लिए। तो अभी जो हमारे भाई साहब बता रहे थे हमको यहाँ का नेपाल के रेट बता रहे हैं, अभी इंडिया में कन्वर्ट करके बताएंगे कि कितने की पड़ेगी करके एक जैकेट। 3000। ये देखिए डेनिम की जैकेटें लगी हुई है। तो भाई हम आए थे इंडिया से नेपाल में, थोड़ा हमारे सामान सस्ता मिलेगा, कपड़े वपड़े सस्ते मिलेंगे करके, लेकिन यहाँ सस्ते नहीं, सेम इंडिया का रेट है और इंडिया से भी ज़्यादा महंगे कपड़े मिल रहे हैं यहाँ। तो भाई देखिए अभी ले रहे हैं हमारे दगड़िए है? तो मोल भाव कर रहे हैं अभी। तो गाइस एक दुकान में जाके तो हम आ चुके हैं, लेकिन हमें कोई वहाँ पसंद नहीं आया क्योंकि जो सेम इंडिया का रेट है वो भी उसी रेट में दे रहे थे। हम तो सोच के आए थे कि सस्ता मिलेगा करके, लेकिन कोई सस्ता नहीं है, सेम रेट में मिल रहे हैं यहाँ भी कपड़े। तो गाइस एक दुकान में फिर से और जाते हुए हम एक शोरूम में और जाते हुए दोबारा से हम पहुँच चुके हैं कपड़े के शोरूम में। और नेपाल में हमने ये लेना है कपड़े और क्या सूच। इसकी क्या प्राइस? बता दिया है कि कितना लगेगा इंडिया, क्या चार्जेस बता दिया। 500 आपका 800 रुपया है। बार बार क्या है, कितना इंडिया कितना इंडिया कितना। और कौन से एजेंसी। ये देखिए गाइस क्या लिखा है, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, नेपाली भाषा में है। खानो बंदा भीख मांगे रे खानो ने बस। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बताना। ये देखिए गाइस हम पहुंच चुके हैं एक रेस्टोरेंट में, खाना खाते हुए अभी सूप पी रहे हैं जो कि यहाँ का फेमस है। अभी हम खाएंगे इसके बाद फेमस यहाँ का सेकुआ। खिला तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप आओगे तो यहाँ जरूर खाइएगा यहाँ का फेमस सेकुआ। ये देखिए गाइस नेपाल की स्पेशल डिश सेकुआ जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ का। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सीख कबाब जिसे हम बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं सेकुआ। सेकुआ खा के अभी हम आ चुके हैं, तो आपको दिखाएंगे यहाँ जो यहाँ नेपाल की दुकान है वहाँ, जैसे हमारे वहाँ इंडिया में चलता है अलग से ठेका या बार, यहाँ कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ सभी दुकानों में मिल जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट बार सभी दुकान में आप जा सकते हैं। ये देखिए गाइस जो कि बियर लगा रखी है दुकान के फ्रंट में, और यहाँ सब चीज़ एक साथ मिल सकता है आपको, चाहे बार हो या आपको रेस्टोरेंट की ज़रूरत हो तो सब एक दुकान में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए हम निकलते हुए नेपाली मार्केट से। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ नेपाल में इतनी महंगाई है, ये जो आप बाइक देख रहे हैं ये पल्सर है, इंडिया में इसकी कीमत है करीब करीब तकरीबन 1 लाख रुपये, और यहाँ इसकी कीमत है करीब करीब 2 से 2.5 लाख रुपये। आप देख सकते हैं वही बाइक है पल्सर सेम, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है ज़्यादा टैक्स वसूलती है, इस कारण इसकी महंगाई काफ़ी आसमान छूती है, करीब करीब पहुँच जाती है यहाँ से। यहाँ अभी हमने यहाँ के लोगों से पूछा था तो यहाँ 2 से 2.5 लाख के बीच में पड़ जाती है, जो कि इंडिया में तकरीबन 1 लाख पड़ती है। तो आप इससे लगा सकते हैं कि कितना यहाँ महंगाई है करके। जो अभी हमने खाया था मोमो, इंडिया में करीब तकरीबन होगा वो 100 या 80 रुपये का प्लेट होगी, और यहाँ थी 250 रुपये की प्लेट। तो इससे आप नेपाल की महंगाई का पता लगा सकते हैं, यहाँ काफ़ी महंगाई है करके। गाइस अभी हम चल रहे हैं कसीनो में, दिखाएंगे आपको। तो आप कैमरा बंद कर दीजिए, यहाँ इसके बाद कैमरा बंद होगा, अंदर बंद होगा। चलो ठीक है। तो देखिए अभी हम पहुँच चुके हैं कसीनो में, इसके बाद अंदर कैमरा नहीं चलेगा, बल लास्ट यहीं पर है कैमरे का। तो बाहर आके बताएंगे क्या क्या था करके अंदर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ कसीनो से, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि जो भी कसीनो में जाए
कृपया करके वहाँ अपना पैसा ना गवा के आए। वहाँ बस एक तो ताश चल रहा था और स्पिन बॉल जो कि आपने मोबाइलों में देखा होगा, कैसीनो मतलब जुआ, इसके बाद पैसा अगर ज़्यादा ज़्यादा है वही लोग जा सकते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं महेंद्र नगर बस अड्डे में। जितना हमने सोचा था उतना खास तो है नहीं यहाँ, जितना हम सोच के आए थे क्योंकि थोड़ा बहुत ठीक है। ये देखिए काठमांडू के लिए बस लगी और ये सवारी के लिए, सवारी को बुलाते हुए एसी बस है काठमांडू के लिए महेंद्र नगर से, जो कि महेंद्र नगर हम बस अड्डे में है अभी। तो गाइस जब पहुंच चुके हैं काठमांडू वाली बस के वहां पर, ये देखिए हमारे काठमांडू जो कि काठमांडू के लिए सवारी ढो रहे हैं हमारे कंडक्टर साहब यहाँ पर को, लेकिन अब जाने का टाइम हो गया हमारा इंडिया को, क्योंकि उसके बाद बॉर्डर में बंद भी हो जाएगा। तो उतना कुछ खास हमें लगा नहीं यहाँ घूम के, क्योंकि हम कोई हमारा गाइड नहीं था घुमाने के लिए, हम खाली दो चार दुकानों में गए और घूम के अब वापिस जा रहे हैं। तो देखिए अभी कहीं रास्ते में और कुछ मिल जाए तो देखने लायक दिखाएंगे आपको। नेपाल बैठ आयो भारत में छाए इंडिया, ये सामने नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप पैसेंजर बस एसी सर्विस महेंद्र, आप हमारे खा सकते हैं दिल्ली पहुँच सकते हैं। ये जो एकमात्र बस चलती है इंडिया और नेपाल के लिए, ये देखिए सीधे दिल्ली जाती है। ये देख सकते हैं आप अभी टाइम हो चुका है, तो नेपाल में जो काम करने आए वहाँ से सामान वामान लेने गए थे अभी वापस आते हुए। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर से जलेबी ले जाते हुए तो गाइस अंधेरा हो चुका है काफ़ी, अब हम चलते हुए अपने घर की ओर। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो करो तो यार भाई, इसके उसमें काट दो तो कुछ तो करो कर दो इसके उसमें, बस हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दो प्लीज। अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।